Hello everyone, welcome to our channel Sunshine Fortunes Education. I'm Gunjan Malhotra. I'm an overseas education consultant and a career counselor. अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और नीचे दिए हुए बेल आइकन को नहीं हिट किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे दिए हुए बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट अगर ओवरसीज एजुकेशन से रिलेटेड आए तो आपको मिल सके। अब मैं आगे की वीडियो के बारे में आपको बताऊंगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एमबीए के बारे में, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एंड दो कंट्रीज़ के जो एमबीए प्रोग्राम्स हैं उनके बेसिस पे हम लोग आपको कंपैरिजन करके बताएंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। एमबीए अगर आप इंडिया से करते हैं तो क्या होता है, कैसा रहता है, क्या इनसाइड डिटेल्स है। एमबीए उसके कंपैरिजन में अगर आप यूके से करते हो तो क्या होता है, कैसे होता है, उसकी इनसाइड डिटेल्स क्या है। देखिए, इंडिया से अगर आप एमबीए कर रहे हो, इट इज़ सेड दैट आप आईआईएम से करो, नरसी मुंजी से करो, सिम्बायोसिस पुणे से करो, या इस तरह के जो हाई रैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो टॉप 10 टॉप 20 में आते हैं, एक्सएलआरआई हो गया, एक्सआईएमबी, देन बिमटेक, इस तरह के जो डिफरेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं प्लस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं, वहाँ से आप एमबीए करो तो आपको काफ़ी अच्छा पैकेज मिल जाता है एंड करियर ग्रोथ आपकी अच्छी रहती है। सेम टाइम पे इन्वेस्टमेंट जो रहता है, लेट्स सी इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस या आईआईएम से अगर आप करो तो काफ़ी हेफ्टी हो गया है, फीस बढ़ चुकी हैं एंड पेमेंट पैकेजेस जो हैं, एवरेज पैकेज की बात करो 15 लाख 20 लाख विदाउट वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस है तो डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस, पर्सनैलिटी, योर परफॉर्मेंस इन योर बिजनेस स्कूल एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू, आप जैसा परफॉर्म करते हो उसके बेसिस पे आपको पैकेज मिलता है। नाउ इंडिया में अगर आप एमबीए करना चाहते हो, लो रैंक ग्लोबली अगर हम लोग बात करें, नॉट वेरी लो बट टॉप 200 टॉप 300 इन द वर्ल्ड या टॉप 1000 इन द वर्ल्ड वाले इंस्टीट्यूशन हैं जो, उसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो 99. यू कैन इमेजिन कितने परसेंटाइल चाहिए। आप रिसेंट जो कैट का रिजल्ट आता है उसमें देखिए कौन से बच्चे आए अहमदाबाद में जा रहे हैं, कौन से बच्चे जो हैं आई एम कैलकटा में जा रहे हैं, कौन से बच्चे आई एम बैंगलोर में जा रहे हैं। कहने का मतलब है कॉम्पिटिशन इज़ वेरी हाई। नाउ अगर आप अब्रॉड पे फोकस कर रहे हो तो सिचुएशन इज़ लिटिल बिट डिफरेंट। जी मैट में आपको अच्छा स्कोर लाना होता है और अगर आप अच्छा लाते हो तो टॉप 10 टॉप 20 में आपको जो ग्लोबली यूनिवर्सिटीज़ हैं बिजनेस स्कूल्स हैं वहाँ पर एडमिशन मिल जाता है। बट डोंट बी सैड, एग्जाम नहीं देते हो आप, जी मैट नहीं भी देना चाहते हो, उसके बिना भी टॉप 100 टॉप 200 इन द वर्ल्ड टॉप 300 इन द वर्ल्ड टॉप 500 यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड जो कि बहुत सारे आई से ऊपर आती हैं उसमें आपको सिर्फ आइल्स का स्कोर और आपका परफॉर्मेंस एंड वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको एमबीए में एडमिशन मिल जाता है। और अगर हम लोग कंपैरिजन की बात करें, इंडिया में अगर आप किसी बहुत अच्छे बी स्कूल में आप चले जाते हो, एडमिशन हो जाता है, गो फॉर इट, नो हार्म इन डूइंग इट। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज सुपर, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। रैंकिंग को मत देखिए, प्रोसीड कीजिए, जाइए, कोई दिक्कत नहीं। बट वही अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाते हो, मैं नाम नहीं लूँगा किसी इंस्टीट्यूशन का, आई डोंट वॉन्ट टू डिमीन एनी इंस्टीट्यूशन और स्टूडेंट्स हु आर कमिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, बिकॉज टैलेंट इन दी एंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बी स्कूल और डिग्री से कुछ नहीं होता है, आप कैसा परफॉर्म करते हो, आपका माइंड सेट कैसा लाइफ में, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से करते हो एंड इफ यू आर स्पेंडिंग अ हेफ्टी अमाउंट ऑफ लेट्स से 20-25 लाख, वो एमबीए करने के बाद इंडिया से अगर आप 5.5 लाख का पैकेज ले रहे हो तो आरओआई इज वेरी वेरी लेस। अगर आप लोन भी लेते हो तो 5 साल 10 साल एक डेकेड लग जाएगा आपको आपका लोन पे बैक करने में। वेयर एज सेम अमाउंट अगर आप किसी फॉरेन की यूनिवर्सिटी से एमबीए करते हो और आप पैकेज की बात करते हो तो रिटर्न्स विल बी मच मच हायर, 45, 50, 55, 60 डिपेंडिंग अपॉन योर वर्क एक्सपीरियंस। आपको आरओआई जो है वो 200-300-400% जो है आपको आरओआई मिल जाता है। तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि इंडिया में किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जिसकी रैंकिंग नहीं है, रेपुटेशन नहीं है, जहाँ से पढ़ के अच्छा पैकेज नहीं लगता, उसके कंपैरिजन में आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज पर फोकस कीजिए जहाँ पे बहुत इजीली आपको एडमिशन भी मिल जाएगा, स्ट्रेस भी नहीं होगा, पढ़ाई करते करते पार्ट टाइम जॉब करके आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस कवर कर सकते हैं। पोस्ट एजुकेशन विद इन 6 months to 1 year यू कैन अर्न बैक द फीस विच यू हैव इन्वेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम। तो दोनों के कंपैरिजन में ये है, ईजी वे आउट है। बहुत लोग बोलेंगे अरे इंडिया से कर लेते ये वो, बट आपको भीड़ चाल में नहीं चलना है। ओपन योर माइंड, प्रॉपर एनालिसिस कीजिए एंड देन टेक अ इन्फॉर्म्ड प्रॉपर वेल रिसर्च्ड डिसीजन। आपके लिए अब्रॉड से करना भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, एक्सपोजर भी आपको बहुत अच्छा मिलता है एंड करियर ग्रोथ इज़ मार्वलस। आई होप आपको ये जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया, जो कंटेंट आपके साथ शेयर किया, ये काफ़ी हेल्पफुल लगेगा एंड आपकी जो ओवरसीज एजुकेशन की जर्नी है उसमें आपको
ये स्मूदन करने में हेल्प करेगा। एंड लेट्स से अगर कोई भी क्वेरी हो या आप हम लोग को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप हम लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ऑफिस आवर्स मंडे से सैटरडे 10 AM से 7 PM के बीच में हम लोगों को कॉन्टैक्ट कीजिए। कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स भी आप पोस्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, फेसबुक के थ्रू भी आप हम लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। मे गॉड ब्लेस यू एंड आई विश यू वेरी वेरी हैप्पी लर्निंग।